नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। कांग्रेस आज लगातार जिस तरीके से सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रही है, आज शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेसी एक बार सड़कों पर थे। हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से कांग्रेस ने रीवा की गलियों में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रकट कराया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस इस समय लगातार सड़कों पर है। माना जा सकता है काफ़ी दिनों बाद, या यूं कहें जब से प्रदेश में कांग्रेस के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, लगातार कांग्रेस सड़कों में दिखाई दे रही है। आज कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया, तरह तरीके की बातें की, उसको लेकर आज कांग्रेस रीवा में सड़कों पर थी। हमारे साथ शहर कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे, जानेंगे उन लोग आज सड़क में क्यों हैं, क्या है उनके मुद्दे और ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा। इस कोरोना जैसी महामारी में जहाँ आम आदमी एक एक रुपए को जोड़ रहा है, उस समय डीजल और पेट्रोल के दाम 10 10 12 12 रुपए बढ़ा दिए गए। नोटबंदी के समय गरीबों की माओं की बहनों की जो जमा पूंजी कमाई थी वो नहीं चली, और माओं बहनों ने उन पैसों का क्या किया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रदेश में सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चोरी से षड्यंत्र पूर्वक खरीद फरोख्त से गिरा दिया। ये भी धोखा जनता के साथ, जनता की चुनी हुई सरकार के साथ हुआ। 50-50 करोड़ रुपए में आपने विधायकों को आपको देने के लिए हैं, और बिजली का बिल आप कौन सा दे रहे हो इन 100 दिन के अंदर? 100 दिनों का बिजली का बिल 400-500 रुपये दे रहे हो। वही हमारी कमलनाथ जी की सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता की सरकार बिजली का बिल 100 रुपये से कम दे रही थी। ये फर्क साफ साफ जनता देख रही है। उसी परिपेक्ष में हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के सभी मोर्चा संगठनों ने, शहर ग्रामीण के सारे साथियों ने, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने आज मौन दिवस और काला दिवस के रूप में रीवा मनाया। काला दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले दिनों काम किया है, उसको लेकर यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं बात करूँगा सबसे, और मेरी सबसे एक ही बात है कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात रखें। आज हम लोग काला दिवस इसलिए मना रहे हैं, जनता ने कांग्रेस को विश्वास दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने धोखाधड़ी करके कुछ लोगों को पैसे से खरीद करके इन लोगों ने सरकार बनाया। हम लोगों ने आज पूरे कांग्रेस के, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में सभी मोर्चाओं ने, सभी संगठनों ने आज काला दिवस हमने मनाया, इनके विरोध करते हैं। काला दिवस लगातार ये लोग मना रहे हैं, यहाँ पर महिला संगठन के लोग भी मौजूद हैं। हम लोग आज भ्रष्ट नीति और भ्रष्ट सरकार, जो छल छिद्र से आई सरकार है, उसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक तरह से मौन जुलूस के साथ अभी हम लोग ये आगाह, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने साइकिल रैली ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने आगाह किया, उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, इसलिए उसके बाद आज हम लोग शांति जुलूस। हालांकि आज 100 दिन पूरे हुए, एक भ्रष्ट सरकार बिकी और खरीदी गई सरकार का आज 100 दिन पूरा हुआ है, उसका भी हम लोग जनता के सामने ये बता रहे हैं कि उस सरकार ने आने के बाद क्या किया, जनता के साथ बदला ले रही है, उस बदले की भावना को दिखा रहे हैं जनता के सामने हम लोग शांतिपूर्वक। बताइए। हम भारत के लोगों द्वारा हमारा संविधान बना था, और जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तो सीधे तरीके से उनका एक ही काम हो गया है कि संविधान पर अतिक्रमण करना, संविधान का उल्लंघन करना। हर चाहे आप वो नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, हर बार वो यही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान हम अपने हिसाब से बनाएंगे, और संविधान का उल्लंघन करना माननीय प्रधानमंत्री जी का काम हो गया है। संविधान का उल्लंघन तमाम मुद्दे हैं, तमाम तरीके की बातचीत यहाँ पर हो रही है। चुनी हुई सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसको लूटना और ताकत पर, केंद्र की सरकार के आदेश पर सरकार को गिराना, ये कार्य इस समय पूरे देश के अंदर चल रहा है। 100 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने मंत्रिमंडल नहीं बनाया, जबकि मंत्रिमंडल में 11 लोगों के कैबिनेट मंत्री होते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि 100 दिन की सरकार बगैर मंत्रिमंडल के 4 लोगों के साथ चल रही है। इस कोरोना महामारी में, और ये भारतीय जनता पार्टी ये 100 दिन को जो ये खुशी के तौर मना रहे हैं, हम लोग उसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। काला दिवस मना रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
चुनी हुई सरकार को कूट रचित षड्यंत्र के कारण उसको 50-50 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीद कर और जनता के साथ वो धोखा किया, आज उस धोखा और फरेब को भारतीय जनता पार्टी के चेहरा चरित्र को हम लोगों ने प्रदर्शित किया है कि ये जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर चोरों की सरकार बना रहे हैं। 15 साल पहले 16 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश को लूटा, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में अपनी सरकार बनाए हुए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने गुमराह किया जनता को और जनता को धोखा देकर उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ की नेतृत्व वाली सरकार को गिराकर उन्होंने दोबारा शिवराज सिंह चौहान को सरकार को गिराया, एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के आज भ्रष्टाचार के जो ये 100 दिन आज मध्य प्रदेश में जो सरकार बैठी, आज उसके विरोध में पूरा मध्य प्रदेश काला दिवस मना रहा है। इस तरीके से भ्रष्टाचारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया है, कांग्रेस की सरकार को, कमलनाथ की सरकार को, आज पूरा एक एक आम जनता जिसने इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को चुन के मध्य प्रदेश में बैठाया था, आज उसके विरोध में खड़ी है और काला दिवस मना रही है। बताइए, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं कि 100 दिन पूरे हुए हैं और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुन के सत्ता में बैठाया था, इन्होंने विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और इन्होंने छल कपट से पैसे के दम में सरकार को गिराया, इसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। बताइए जावेद भाई, ये संविधान विरोध तरीके से बनाई गई सरकार है और ये हर हथकंडा अपना कर भाजपा ही जितने भी हैं चोरों की सरकार है और ये कैसे हमको सत्ता हासिल करना है ये इसमें बखूबी जानते हैं और आज महंगाई की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। महंगाई की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, केवल और केवल अपनी सत्ता चलाना है, वो चाहे तरीका जो, साफ तौर से कांग्रेसियों का कहना है। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी है, निकट भविष्य में चुनाव भी होने हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी के आप एक जिम्मेदार आदमी, अगला स्टेप आपका क्या होगा? जनता की चुनी हुई सरकार है और इस सृष्टि के सारे दाता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं और सृष्टि के सारे देवता, सारे अल्लाह वाहेगुरु जी साईं राम, इन्होंने तय कर लिया है कि यह भाजपा की सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी, उन सब का आशीर्वाद जनता के साथ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर वाले का नाम लेकर यहाँ पर यह कहा करते थे कि भगवान राम हमारे साथ हैं, उसी तरीके से कांग्रेस भी लगातार सड़कों में है। इसका जीता जागता उदाहरण डीजल पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में अपना प्रचार किया है, जिस तरीके से अपना विरोध प्रकट कराया, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य में और भी दिलचस्प नज़ारे देखने में नज़र आएंगे। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ।